हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल वुमेन फोर के बारे में, ठीक है, किस तरीके से चला और किस तरीके से चीज़ें चली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आपको याद होनी चाहिए किसने क्या किया, मैं आपको बताना चाहिए, ठीक है। हम कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बातें करेंगे, तो यार वो सब आपको नोट डाउन कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो स्वराजिस्ट हैं, स्वराज पार्टी पीपल्स, ठीक है, उनको स्वराजिस्ट बोला जाता है। दे वॉन्टेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन, वो इलेक्शन पार्टी चाहते थे। दे वॉन्टेड एदर ब्रिटिशर्स एंड और मैन, ठीक है, या तो ब्रिटिशर्स एंड हो या फिर मैन हो जाए, ठीक है, मतलब या तो वो इनकी बात मान लें, नहीं तो पॉलिटिकल भूचाल हम लाएंगे, ठीक है, या तो वो ख़त्म हो जाएँ, या तो छोड़ के चले जाएँ, या तो मैन हो जाएँ, या तो उनकी बात मान ली जाए, ठीक है। तो अचीवमेंट इनके क्या थे, जो विठल भाई पटेल थे, बिकम स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925, ठीक है। तो 1925 में वो स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बार आउट नंबर किया इन लोगों ने, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी बिल में बिल डिफीट किया इनने, जिसमें वो फॉरेन लीडर्स को आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट करते थे, ठीक है, शिफ्ट किया गया इनके द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट अपॉइंट अलेक्जेंडर मुद्दमान कमेटी, जिसमें जो जिन्ना थे इसके मेंबर थे, टू ब्रिंग डिफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके में जो डिफेक्ट था उसको बाहर लाने के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है। जो अलेक्जेंडर मुद्दमान कमेटी बनाई गई थी, वो क्यों बनाई गई, ताकि जो डिफेक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, उनको बाहर लगाया जा सके, ठीक है। 1925 में स्वराजिस्ट वीकेंड बिकॉज, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में स्प्रेड हो जाता है अमंग स्वराजिस्ट हमसेल्फ। पहले होते हैं आपका रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है। तो पहले क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे कमेटी को, लेकिन दूसरे बोलते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे काउंसिल को, बट नो मोर सपोर्ट टू गवर्नमेंट के, लेकिन हम गवर्नमेंट को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बार कहते हैं कि नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, हम काउंसिल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले बार कहते हैं कि हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन हम सपोर्ट कुछ नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये उनके बीच में स्वराज के बीच में डिवाइड की लकीर खींच जाती है। अब यहाँ पर लॉर्ड इरविन करके हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में ही बहुत सारे जो मूवमेंट्स थे, बहुत सारे जो काउंसिल्स थी, बहुत सारे जो कमेटीज़ थी बनी थी इसके समय में, लॉर्ड इरविन के समय में 1926 से लेकर 31 में अपॉइंटमेंट्स साइमन कमीशन इसके बीच में अपॉइंट किया गया, जो पूर्ण स्वराज की मांग है इसी के दौरान का ये मांग उठी। तीसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसके समय पर हुआ, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है 1930 के, उसमें लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुई, ठीक है। साइमन कमीशन है जिसमें इंडियन पॉलिटिकल रिजेक्टेड है, ठीक है। तो साइमन कमीशन क्या था, उसमें जो 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 ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि वेदर इंडिया वॉज रेडी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड ऑन वट लाइन, ठीक है, ये मुझे बनाया गया था कि अगर वो आखिर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से तैयार है या भी नहीं है, ठीक है, और या फिर अगर तैयार है तो इस लाइन पे क्या शर्तें होंगी, ठीक है, उनको आज़ादी देने की, तो इस बारे में बात की गई थी, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं उनको जो कमीशन के, वो सब इंग्लिश मेंबर थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कमीशन बनाया जा रहा है जिसमें इंडियन मेंबर नहीं है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उसने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, साइमन को जो किनारे हैं वो लगाए गए, ठीक है। इसने बोला था कि जो डायर इस सजेस्ट जो डायर की है वो अनसक्सेसफुल है, और जो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट है प्रोविजेंस में, ठीक है, वो होनी चाहिए। अब नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 की, वो क्या बोलती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लेड बाय INC इन फरवरी 1928 की। बेकनर हेड ने चैलेंज दिया कि अगर इंडियन पॉलिटिकल खुद ही कॉन्शियस करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लें तो बात ही क्या है, क्या वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उसने चैलेंज कर दिया, ठीक है। तो जो चेयरमैनशिप थी मोतीलाल नेहरू की, उसमें ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे सेक्रेटरी, ठीक है, बट सेज ओनली डोमिनियन स्टेट नॉट पूर्ण स्वराज, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर था वो खाली डोमिनियन स्टेटस का था, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग, यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल भी नहीं था। अब जिन्ना के 14.1929 में क्या थे, अंगेज नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अंगेज जिन्ना के यहाँ पर 14 पॉइंट्स थे। तो उसका जो क्रक्स ये था कि धार्मिक आधार पर जो रिजर्वेशन है वो मिले, असेंबली और जॉब्स में राज्यों को ज़्यादा अधिकार मिला जाए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष जो स्वराज है वो क्या था, 19 दिसंबर 1929 के अंदर हुआ, दिसंबर 1929 के अंदर याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, दिसंबर 1929 के अंदर ये रखा गया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई, डिक्लेयर एज अ एम ऑफ कांग्रेस, यहाँ पर मान लिया गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए।
जनवरी 26, 1930 को फिक्स्ड एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, कहा कि ये ही हमारा इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया गया था, कब किया गया था वो तो बाद में किया गया था, ठीक है, लेकिन जो जनवरी 26 है उसको उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस डे तो हम इसी दिन बनाएंगे, क्योंकि इसी दिन हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो पूर्ण स्वराज अगर भारत होगा तो वो जनवरी 26, 1930 के, सॉरी मतलब जनवरी 26 के अंदर हुआ, ठीक है, तभी हम हमारा इंडिपेंडेंस डे अलग है और हमारा रिपब्लिक डे अलग है, ठीक है। तो दिसंबर 31, 1910 को मिड डे में बैंक ऑफ रिवर रावी का इसमें अडॉप्टेड किया गया था, जो जो ट्रिपल फ्लैग है और यहाँ पर जो स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद, यहाँ पर गाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लैग है इंडिया का वो कब कौन से कहाँ पर अपनाया गया था, तो वो जो रावी रिवर है वहाँ पर अपनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से लेकर 34 तक चालू होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी की 11 डिमांड होती है, अगर पूरी नहीं हुई तो गांधी जी बोलते हैं कि हम दाढ़ी मार्च करते हैं, ठीक है, तो असॉल्ट मार्च की वजह से होता है। जो बाल पाल 40 साल भी नहीं कर पाए गांधी जी ने एक साल के अंदर करके दिखाया, क्योंकि गांधी जी को न्यूज़ कवरेज बहुत ज़्यादा मिली असॉल्ट मार्च के अंदर, ठीक है, और प्रैक्टिकल वे थे गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, उनको बोलते थे कि कुछ और नॉन वायलेंस एज द ओनली मीन टू अटेन स्वराज, ठीक है, मीन्स कि तीन तरफ हमला, वो कहते थे कि हम सोशली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उनको वीक करेंगे, ठीक है, हथियार उठाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि अलग अलग जो फैला हुआ था चिटगांव में जो सूर्यसेन था वहाँ पर, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने अटैक किया था, पेशावर में लेड बाय गांधीन खान जो अब्दुल गफर खान है जिनको प्रिंटिंग गांधी बोलते हैं इनके द्वारा, और 1987 में उनको भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है नेशनल मूवमेंट वीडियो 5, सॉरी 4, हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट 5 अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय।